तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है, यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसका जिसके पिताजी जेल में है। यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी शिवसेना स्थिर सरकार बनाए, अगर वे नहीं नाकाम हो जाते हैं तो कोई पर्याय पे विचार हो सकता है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र से आई सबसे बुरी खबर, भाजपा के कमल को कांग्रेस के पंजे ने हिलाया। कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने के शिवसेना ने दिए संकेत, चुनाव अभियान के दौरान दिए मोदी के बयान का लोग उड़ा रहे हैं मजाक। लेकिन शरद राव है वो हवा के रूप को भली भांति जानते हैं कि वो बड़े खिलाड़ी है। महाराष्ट्र ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को सरकार बनाने का। हम चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाए, मुख्यमंत्री सबसे बड़े दल के नाते क्लेम करें, सरकार बनाए, विधानसभा के पटल पे बहुमत सिद्ध करें। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाती है, तो पर्याय सरकार बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस एनसीपी की युति की यही एक सच्चाई बची है। वहां दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है। वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शिवसेना की महायुति महाराष्ट्र को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है, जहां कार्यकर्ताओं में गठबंधन में ही बंटवारा है, वो महाराष्ट्र के समाज को एकजुट भला कैसे कर सकते हैं। बांटो 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 और मलाइका। वीडियो ऑडियो सब देखा है, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अमित शाह जी के सामने क्या बोल रहे हैं वो भी आपने देखा है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे, हमारे भरणीत जी उस वक्त यही थे ना मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, कि जो सत्ता के जो पद है उसका समान बंटवारा होगा। उसका मतलब क्या होता है, क्या सत्ता के पदों में मुख्यमंत्री पद नहीं आता है क्या? मुख्यमंत्री पद कोई एनजीओ का पद है क्या? ये कोई एनजीओ का पद है? महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा को ऐसा हिला दिया कि उसके होश उड़ गए हैं। भाजपा के लोग जिनको राजनीति का चाणक्य कहते हैं, उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे शिवसेना को काबू में किया जाए और किसी भी तरह कैसे महाराष्ट्र में सरकार बना ली जाए, क्योंकि शिवसेना के नेता लगातार कांग्रेस और एनसीपी की तारीफ कर रहे हैं और भाजपा से दूरियां बना रहे हैं। भाजपा के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत का दिन महाराष्ट्र में गुजर रहा है। शिवसेना के द्वारा भाजपा को नीचा दिखाने के बीच भाजपा ने सरकार बनाने की तैयारियां भी कर ली हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारियां आखिरी दौर में हैं। दूसरी तरफ शिवसेना ने पूरी तरीके से कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस एनसीपी अभी जल्दी में नहीं है, इसीलिए उसने कोई फैसला नहीं लिया है कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। एक खबर ये भी आ रही है कि भाजपा ने कई दूसरे विकल्प तैयार कर लिए हैं, निर्दलीय विधायकों से लेकर शिवसेना को तोड़कर उनके विधायकों के साथ सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेताओं का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शिवसेना का कोई नेता ना तो जेल में है और ना किसी पर कोई जांच चल रही है, इसलिए वो भाजपा के किसी दबाव में नहीं आ रही है। ऐसी बातें खुद शिवसेना के कई नेता कह चुके हैं। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है, यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसका जिसके पिताजी जेल में है। यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया, चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है
जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है। अगर कोई हमको सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, ये हमारे लिए ऑनर है। हमारा जन्म विपक्ष में हुआ है, सड़क पर हुआ है, हम सड़क की राजनीति करते आए हैं। सत्ता से दूर रखने के लिए अगर कोई साजिश करता है, और वो भी जो गठबंधन में है, मुझे लगता है ये धर्म की राजनीति नहीं। भाजपा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है, लेकिन शिवसेना लगातार 50-50 फार्मूले की बात पड़ा रही है और ढाई ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद के बंटवारे की बात कर रही है। पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, यह भी शिवसेना की शर्त है। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा और अपनी इस बात पर वो अड़िग हैं। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा और शिवसेना के बीच 50-50 फॉर्मूला तय हुआ था और अब बीजेपी उसे मान नहीं रही है। जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करते आई है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में वो भी नहीं चाहेंगे कि सत्ता बीजेपी के हाथ में जाए। 5 साल का अनुभव भी उनके पास होगा, लेकिन हमसे कोई उनसे संपर्क नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पहले भी कहा है, अगर शिवसेना चाहती है तो बहुमत जुटा सकती है। महाराष्ट्र ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को सरकार बनाने का। हम चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाए। मुख्यमंत्री सबसे बड़े दल के नाते क्लेम करें, सरकार बनाए, विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करें। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाती है, तो पर्याय सरकार बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे, हम उसको ना करते नहीं। जहाँ तक शिवसेना का ये कहना है कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा, अगर वो चाहें तो बन सकता है, उसमें कोई संदेह लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी शिवसेना स्थिर सरकार बनाए। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।